الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. अभी 2-3 रोज पहले रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म हुआ और हम और आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ भी लाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी इसी महीने में हुई। इसीलिए दुनिया के मुसलमान, ख़ास तौर पे एशिया के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, रबीउल अव्वल के महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ को बयान करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि आपके यहाँ कोई इस तरह की बात इमाम साहब ने तो ज़रूर की होगी, बाकी और हो सकता है कि ना हुई हो। मेरे जहन में अचानक ये बात आई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात दुनिया के लोगों पर बेशुमार हैं। आपके एहसानात का हम शुमार नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके बड़े बड़े एहसानात हैं दुनिया पर, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक जगह उनके 6 बड़े बड़े एहसानात को ज़िक्र किया है। उनमें से आपके दुलिया जान के एतबार से एक एहसान में 5-10 मिनट के अंदर बयान करके अपनी बात ख़त्म कर दूं। वो एहसान ये है कि इस्लाम के आने से पहले दीन और दुनिया का अलग अलग तसव्वुर था। जिनको दीन पर चलना है वो अपने गांव समाज से, रिश्तेदार से, अपने दोस्त से रिश्ता नाता तोड़कर और जंगल में चला जाए और वहाँ जाकर रात दिन अपने माबूद की, अल्लाह की वो इबादत करे। दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ये तसव्वुर था दीनदार होने का। दीनदार वही कहलाता था जिसको न दुकान से कोई मतलब हो, न कारोबार से कोई मतलब हो, न सर्विस से कोई मतलब हो और ना ही ब्याह शादी के तकरीबात और प्रोग्राम में शिरकत से कोई मतलब हो। तो दीन का अलग तसव्वुर और ख्याल था और जो दुनिया में है उसका अलग रास्ता होता था। यही वजह है कि पूरी दुनिया में, जहां तक मैं जानता हूं, एक छोटा सा शहर या सिटी, वेटिकन सिटी, जहां पोप रहते हैं, उसका निज़ाम और उसका सिस्टम बस अलग, वहाँ पोप ही का सब कुछ चलेगा और बाकी जो उस देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वहाँ पर उसका कुछ हुक्म नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि वो लोग दीन पर चल रहे हैं और हम लोग दुनिया पर चल रहे हैं। हमने दुनिया को इख्तियार किया और उसने दीन को यानी मजहब को इख्तियार किया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और आपने इस दुनिया में आकर सिर्फ नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं सिखलाया,
सिर्फ रोजा रखने का तरीका ही नहीं सिखलाया, हज और जकात ही का सिस्टम आपने नहीं बतलाया, बल्कि एक इंसान बिजनेस कैसे करेगा उसकी भी तफसील और उसका भी डिटेल आपने बयान किया। बल्कि हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े स्टूडेंट, उनसे जब किसी ने कहा कि हजरत आप तसव्वुफ में और बुजुर्गी में, आपकी इस्तिलाह में, आपकी जबान में पीराकी के सिलसिले में मुरीदी और पीरी के बारे में कोई किताब लिख दीजिए, तो हजरत ने कहा कि मैं तो लिख चुका हूं। कहा नहीं, आपकी तो कोई किताब नहीं आई जिसमें जिक्र करने का तरीका, बारह तस्बीह मारने का, छह तस्बीहात का, मामूल को अदा करने का, ये सब बात हो, ये तो कहीं नहीं मिलती है। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने मबसूत लिखा, मैंने सियर सगीर लिखा, सियर कबीर वगैरह वगैरह, पांच छह उनकी मशहूर किताबें हैं, बतलाया कि ये मैंने लिखा, यही है तसव्वुफ और बुजुर्गी का तरीका और यही है तसव्वुफ और बुजुर्गी की किताब। तो कहा हजरत उसमें तो लेन देन का मसला है, कैसे हम बिजनेस करेंगे, कर्ज लेंगे तो कैसे अदा करेंगे, कोई चीज गिरवी रखेंगे तो कैसे, जमीन प्लाट प्लाटिंग करेंगे, बेचेंगे तो कैसे करेंगे, हम किसी के यहाँ सर्विस करते हैं तो कैसे, ये चीजें हैं उसमें। अरे यही तो सबसे बड़ी बुजुर्गी है, यही तो सबसे बड़ा तसव्वुफ है कि इंसान अपने मामलात को क्लियर रखे, साफ रखे, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मामला करने का सिस्टम पेश किया है उसी हिसाब से मामला करे, यही बड़ी बुजुर्गी है। खुद कुरान करीम के अंदर अभी चार पांच रोज पहले मैंने वो आयत पढ़ाई तफसीर में जलालैन के अंदर, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इतना तो हुक्म दिया, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, अकीमिस्सला तरफई नहार, दिन के दोनों किनारे में नमाज पढ़ो, वज़ुलफ़म मिनल लैल, रात के हिस्से में नमाज पढ़ो, लेकिन कब पढ़ना है, कितनी रकात पढ़नी है, उलमा इकराम यहां मौजूद है, इसका डिटेल कुरान में नहीं है। वआतु ज़कात, ज़कात दो, कितनी ज़कात देनी है, इसका डिटेल कुरान में नहीं है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके पास हज करने की वसअत है, ताकत है, वो हज करे, लेकिन कैसे करना है, कहां कहां जाना है, इसका डिटेल कुरान में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया, लेकिन कितना रोजा रखना है, इतना तो है मगर किन किन चीजों से बचना है और कैसे कैसे रोजा रखना है, पूरा डिटेल के साथ नहीं है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा, नहीं है तो मालूम होना चाहिए कि सूरह बकरा के अंदर कुरान करीम की सबसे बड़ी जो आयत है वो लेन देन के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इदा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलि मुसम्मा फक्तुबू, लेन देन आपस में, एक दूसरे को देना है, एक दूसरे से लेना है, कुछ कर्ज दे रहे हैं, कोई मामला कर रहे हैं, तो कैसे ये मामला करना है, इसका एक एक जुज और एक एक अंश को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। तो ये जो हमारा और आपका दीन है, हमारी और आपकी शरीयत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि दीनदारी अलग और दुनियादारी अलग नहीं है, बल्कि दीनदारी और दुनियादारी यानी दीन और दुनिया दोनों को मिलाने का नाम ही मजहब है, शरीयत है। एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन वो बिजनेस सही से नहीं कर रहा है, कारोबार में धोखा देता है, दूसरे का हक मार के खाता है, वो पक्का नमाजी नहीं है। एक आदमी बिजनेस करता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता है, उसकी कामयाबी अल्लाह के यहां हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो दीन और दुनिया को मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके सामने पेश किया।
और मैं थोड़ा बतलाऊं आपको, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए गए और जाने के बाद वहां बीमार पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए, देखने के लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से पहले ये कह दिया कि इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं होगी, वही आई होगी, बतला दिया अल्लाह ने, आपने कह दिया। लेकिन हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अब तो मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो माल है वो मैं अपनी बेटी के नाम कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सारा माल बेटी को नहीं देना है। तो कहा आधा, हाँ कहा ये भी नहीं। यानी इस तरह से हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माल के बारे में पूछा और अखीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम अपने वरसा के लिए माल जरूर छोड़ो, उसको गरीब बनाकर इस दुनिया से ना जाओ, बल्कि अपने वरसा का यानी बाद में जिंदा रहने वाली अपनी बेटी, अपना बेटा, अपने माँ, अपने बाप, उसका हिस्सा छोड़कर जाओ। इसलिए कि अगर तुमने अपना सारा माल वसीयत कर दिया मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीन के किसी और काम के लिए, और तुमने अपने खानदान के लोगों को मोहताज बना दिया, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। यहां तक के तुम अगर कोई लुकमा, खाने का लुकमा अगर अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में डालोगे, ये भी सदका है, इस पर भी सदके का सवाब मिलेगा। तो ये तो बहुत ताज्जुब की बात लगती है कि भाई बीवी को खाना खिलाएं और सदके का सवाब मिले, मतलब वही है कि बीवी को खाना खिलाने का मतलब उसकी जरूरत को पूरा करना। अगर कि ये मुकम्मल दुनियादारी मालूम होता है, लेकिन दुनिया और दीन ये अलग अलग नहीं है। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर कोई कारोबार करता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना आसान हो जाए इस नीयत से अगर वो कारोबार करता है, अगर बिजनेस करता है कि इसमें जो यतीमों का, साइलों का, मिस्कीनों का हक है, जो अल्लाह ने जकात हम पर फर्ज किया है, हम उसको सही तौर पर अदा करेंगे, तो ये सिर्फ दुनियादारी नहीं बल्कि ये भी दीनदारी है और दीनदारी का हिस्सा है। इसीलिए हदीस में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। रहबानियत का मतलब यही है कि बिल्कुल अपने गांव समाज को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया, कारोबार से कोई मतलब नहीं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया और वहीं जाकर किसी दरख्त के नीचे बैठ गया या एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया और वहीं जाकर रात दिन जिक्र करता है, भूख लगती है दरख्त का पत्ता तोड़ के चबा लेता है, प्यास की जरूरत पड़ती है वहीं पानी पी लेता है। इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता, इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस दुनिया पर, दुनिया के लोगों पर एहसानात हैं, उनमें एक बड़ा एहसान ये भी है कि आपने दीन को अलग और दुनिया को अलग नहीं, बल्कि दोनों के संगम और दोनों को मिलाकर आपने एक शरीयत को पेश किया। आप नमाज भी पढ़ें, आप कारोबार भी करें, आप बिजनेस भी करें, आप जमात में भी जाएं, दावत और तबलीग का भी काम करें, ये मुकम्मल दीनदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब दुलियाजान में आना होता है, पूरे आसाम में खास तौर पे दुलियाजान के अंदर, और इसी तरह से दीमापुर अगरचे नागालैंड में है, ऐसी जगहों पर जाने के बाद इस बात का ज्यादा एहसास होता है कि मुसलमानों ने किस तरीके से दीनदारी को और दुनिया के काम को पकड़ के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार भी कर लेते हैं, अल्लाह कराता है, अल्लाह की तौफीक से सब कुछ होता है, और उसके साथ साथ मस्जिद के साथ भी पूरा ताल्लुक रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खास करम है। ये अभी तकरीबन डेढ़ साल, दो साल तकरीबन होने वाले हैं लॉकडाउन का जो सिलसिला चला, इसमें कितने लोग हैं जो हमारे और आपके बीच से उठ गए।
अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। अल्लाह ही बेहतर जानता है ये वाकयतन कोई बीमारी है या ये हमारे किसी दुश्मन की साजिश है। बज़ाहिर हम कुछ नहीं कह सकते और आजकल तो ऐसा हो गया कि कुछ बोलना अब ये भी जुर्म हो गया, कुछ बोलना भी जुर्म हो गया। अगर ये बीमारी है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह इस बीमारी से और तमाम बीमारियों से अल्लाह नजात अता फरमाए। और अगर ये किसी की साजिश है, षड्यंत्र है, तो अल्लाह ताला साजिश करने वाले को, षड्यंत्र करने वाले को हिदायत नसीब फरमाए, और नहीं तो ऐसे लोगों से पूरे मानवता और पूरी इंसानियत को नजात अता फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस बीमारी के आने के बाद खास तौर पे एक बात जो सबके जहन में आ गई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पहले भी ये बात थी, लेकिन इस मर्तबा जो बीमारी आई और किस किस तरह से लोग हमारे बीच से हटके निकल के इस दुनिया से चले गए, उसके बाद अब इसका एहसास ज्यादा हो गया कि कभी भी कुछ हो सकता है और कभी भी किसी को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ सकता है। याद रखिए, इस पर तो हमारा और आपका यकीन है, विश्वास है, इसीलिए खास तौर पे हमको और आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज को अपने मामूल में और अपने रूटीन में दाखिल कर लीजिए, और वो है क्या, कम से कम रोजाना 100 मर्तबा सुबह और 100 मर्तबा इस्तिग़फार जरूर कीजिए। 100 मर्तबा सुबह और 100 मर्तबा शाम इस्तिग़फार जरूर कीजिए। कब हमसे और आपसे गलती हो जाए, कब हमसे और आपसे कोई गुनाह हो जाए और अल्लाह न करे कि उस गुनाह के बाद हमको तौबा का मौका ना मिला और हम इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के यहाँ कहीं जवाब न देना पड़ जाए। और अल्लाह अगर सवाल कर ले तो फिर अल्लाह को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और अगर हमने और आपने तौबा कर लिया, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने दो हदीस को एक साथ बयान किया, दो हदीस को एक साथ बयान किया। इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं तुमको दो बहुत ही अजीबो गरीब हदीस तुमको सुनाता हूं, बहुत अजीबो गरीब हदीस सुनाता हूं। एक हदीस उन्होंने सुनाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था तो वो ईमान वाला, यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम पर ईमान रखता था, लेकिन वो कभी कोई नेकी का काम नहीं करता था। उसकी जिंदगी और उसका पूरा लाइफ गुनाहों से भरा हुआ था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, बड़ा मालदार था, तो उसने अपनी औलाद को, बच्चों को बुलाया और कहा, देखो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, माल दौलत है, मैं तो अब चला जाऊंगा, अगर तुम लोग मेरी एक बात पर अमल करो तो ये प्रॉपर्टी मैं तुमको इसका मालिक बना दूंगा, और अगर अमल न करो तो मैं ये प्रॉपर्टी, ये माल दौलत किसी और को दे दूंगा। उनके बच्चे ने कहा कि जरूर आपकी बात पर अमल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा, देखो जब मेरी मौत हो जाए तो मरने के बाद मुझको आग में जला देना, और जलाने के बाद जो उसका राख होगा, साली होगा, उसको दो हिस्से में बांटना, एक समंदर में, नदी में, दरिया में डाल देना, और एक हिस्सा जंगल में हवा में उड़ा देना। का ठीक है, इंतकाल हो गया। उनके बच्चों ने ऐसा ही किया, एक हिस्सा नदी में डाल दिया और एक हिस्सा खुश्की में, यानी जंगल में हवा आई, बताश आया, उड़ा दिया। अल्लाह ताला ने समंदर से कहा कि मेरे इस बंदे का जो हिस्सा तुम्हारे अंदर है तुम सबको जमा करो, मेरे सामने पेश करो। जमीन से कहा कि जो कुछ, जहां जहां इस बंदे का जो अंश और हिस्सा है सब मेरे सामने पेश करो। पेश कर दिया गया, अल्लाह ने उस बंदे को जिंदा किया। जिंदा करने के बाद कहा कि अरे तुमने ये क्यों किया, मरने के बाद जलाने के लिए तुमने क्यों वसीयत की और हवा में उड़ाने की, पानी में डालने की क्यों वसीयत की। तो उस बंदे का जवाब था सिर्फ इतना, खशीतुका या खशियतुका, खशियतुका, ऐ अल्लाह आपके डर की वजह से मेरे दिल में ये खौफ और डर आ गया था
कि अगर आप मुझको अजाब देंगे तो इतना अजाब, इतनी सजा मुझको देंगे कि दुनिया में इससे ज्यादा सजा का मुस्तहिक और कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा सजा आप मुझको देंगे, आपके डर की वजह से मैंने अपने बच्चों से ये वसीयत की। अल्लाह ताला ने कहा कि वाकईतन तुम्हारे दिल में मेरा खौफ था, मेरा डर था, मैंने तुम्हारे इस खौफ को और डर को कबूल किया और जाओ तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत उसी के साथ मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक औरत थी, वो मशहूर रिवायत है, एक औरत थी बहुत नेक मुत्तकिया परहेजगार औरत थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को अपने घर में बांध कर रखा था, उसके लिए दाना पानी खाने पीने का इंतजाम नहीं किया, उसके रस्सी को नहीं खोला कि वो जाती जमीन में किसी कीड़े मकोड़े को चुन के खा लेती, वो भूख से वो बिल्ली मर गई। वो इबादत गुजार औरत थी लेकिन एक अल्लाह की मखलूक को भूखा उसने मार दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। अब सुनिए, एक आदमी पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा लेकिन मरने से पहले तौबा किया, गोया के अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर दिल में पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया। एक औरत पूरी जिंदगी गुनाह करती रही लेकिन मरने से पहले पूरी जिंदगी वो नेकी का काम करती रही, लेकिन अल्लाह की एक मखलूक जिसकी हमारे और आपके यहाँ कोई कीमत नहीं, एक मखलूक एक बिल्ली को भूख से मार दिया, अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाल दिया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर लिखा है कि दोनों रिवायतों से ये नतीजा निकला कि ईमान नाम है खौफ का और ईमान नाम है आशा का, रजा उम्मीद का। यानी इसका मतलब यह है कि जो आदमी पक्का सच्चा नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, उसको अपनी तहज्जुद पर अपनी इबादत पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए ऐ अल्लाह हम टूटे फूटे अंदाज में कुछ कर लेते हैं, पता नहीं मेरी ये इबादत आपके यहाँ कबूल होगी या नहीं होगी। हर वक्त दिल में डर रहना चाहिए, हर वक्त दिल में खौफ रहना चाहिए। और जो बेचारा मस्जिद में नहीं आ सकते हैं, रात दिन गुनाहों के काम में मुब्तला है, वो ये ना सोचे कि मैं तो बड़ा पापी हूं, पता नहीं मेरे पाप को अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा, अब अगर मैं नमाज भी पढ़ूं तो मेरी नमाज कबूल होगी या नहीं, मैं तौबा भी करूं तो अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा या नहीं करेगा। ना उम्मीद नहीं होना है, बल्कि अपने दिल में उम्मीद रखो, आशा रखो, तुम अपने गुनाहों से तौबा करके तो देखो, अल्लाह के सामने हाथ फैला करके देखो। अल्लाह का हाल यह है, एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ने यह फरमाया कि जब मेरा कोई बंदा तौबा करने के लिए एक बालिश्त आगे आता है मेरी तरफ, तो मैं एक हाथ उसकी तरफ जाता हूं, जब वो एक हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। हाँ, और अगर वो पैदल चल के आहिस्ते आहिस्ते आता है तो मैं दौड़ कर जाता हूं और उसको अपनी रहमत के सीने से लगा लेता हूं और उसकी तौबा को कबूल कर देता हूं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये कोई वाज का बयान का तकरीर का वक्त नहीं, बिल्कुल मुख्तसर नसीहत, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टूटे फूटे अंदाज में जो कुछ कर रहे हैं, हमेशा दिल में ये रहे ऐ अल्लाह ये कुछ नहीं है, हमको और भी करने की तौफीक दीजिए। और जो किसी वजह से अब तक अपनी जिंदगी में सलातो सियाम को, नमाज रोजे को दाखिल नहीं कर सके हैं, अल्लाह के वास्ते तौबा कीजिए, रोइए गिड़गिड़ाइए और अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी को बदलिए, बदलिए, तब क्या हो जाएगा, मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं। अभी कुछ दिनों पहले दरंग में मुसलमानों के साथ उच्चेत के वक्त क्या क्या हुआ, उसके बाद त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, कब कहां क्या हो जाए, हालात बदल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपने ईमान को पक्का कीजिए, ईमान को पुख्ता करने के लिए उलमा से छोटे छोटे
बड़े बड़े आमाल के बारे में पूछिए और पूछ कर अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द।